Hello everyone and a very warm welcome to your favorite channel Byju's. My name is Kriti and I am your chemistry expert and aaj grade 8 students aapke liye ek bahut special session hai kyunki aaj within 30 minutes hum cover karne wale hain coal and petroleum in one go. So I welcome all of you to this brand new session of rapid revision the last lab. So aaj 30 minutes ke andar फटाफट से हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी रेडी विद अ पेन एंड पेपर एंड जल्दी से एक बार हम क्या करेंगे, हम फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट वी डू नॉट मिस एनी ऑफ सच इम्पॉर्टेंट सेशंस. तो जल्दी से लाइक कर देंगे, पेन पेपर के साथ तैयार रहो, पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है 30 मिनट्स में, एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, सो दिस इज द परफेक्ट टाइम for such a quick revision, rapid revision. Okay, चलिए let's get started. अब coal and petroleum हमें पता है fossil fuels हैं, but since we are going to revise the entire chapter, तो scratch से एक बार समझते हैं सबसे पहले कि fuel होता क्या है. चलिए so let's get started with the very first term that we have, and that is fuels. Fuels क्या है? कोई भी fuel अगर हम बात करें, बेसिकली ये वैसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. सो एनर्जी इज द कैच. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन, वुड, कोल, ये सब क्या है? ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस फ्यूल्स दैट आर अराउंड अस एंड देयर आर मेनी मोर. देयर आर सो मेनी सब्सटेंसेस गिविंग अस एनर्जी. नाउ इट्स नॉट नेसेसरी दैट अ फ्यूल हैज टू बी ओनली इन द सॉलिड स्टेट और इन द लिक्विड और इन द गैशियस स्टेट. आपको तीनों स्टेट्स में, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में फ्यूल मिल सकता है. आपके सामने ही एग्जाम्पल है. सो वुड इज सॉलिड, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. ओके, पेट्रोल आपका लिक्विड हो गया, हाइड्रोजन आपका गैस हो गया. सो यू कैन क्लियरली सी कि तीनों स्टेट्स में आपको फ्यूल्स मिल रहे हैं. ठीक है, अब फ्यूल समझ आ चुका है, वी अंडरस्टूड व्हाट फ्यूल इज. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज नाउ व्हाट इज फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल क्या होता है? Now you see two terms here. Fuel, we just studied about fuel. We know it's going to provide us energy. So fuels are giving us energy. We have sorted it. Now what are fossils? Fossils are dead plants and animals. Dead plants and animals. Now how are these fossil fuels formed? So they are formed from the remains of dead organisms buried under the earth over millions of years. So when we talk about fossil fuels, we know that we're talking about dead organisms. We know there's going to be a role of temperature in this, so high temperature is required. We know there's going to be a role of pressure in this, high pressure is required, compression is required. And this change that we are talking about is not going to happen overnight. It's not going to happen suddenly. It's not going to happen instantly. It's going to take millions of years. So we know that time is also playing a very important role here. Okay? So we have some examples of fossil fuels with us. We've got coal, we've got petroleum, we've got natural gas. So आज के सेशन में वील बी फोकसिंग मेजरली ऑन दीज थ्री फॉसिल फ्यूल्स. तो इन तीनों फॉसिल फ्यूल्स पे हम बात करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज कोल. अब कोल के बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोल बनता कैसे है, हाउ इज कोल फॉर्म्ड. सो द कोल दैट वी आर यूजिंग टूडे, अब हम बहुत ज्यादा कोल को अगर यूज कर रहे हैं, अभी हम जब यूज कर रहे हैं, ये एक महीने पहले, वन मंथ और वन ईयर पहले नहीं बना है. इट बिगैन फॉर्मिंग अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो. इज इन दिस सो वेरी फैसिनेटिंग. सो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट्स. अब नेचुरल प्रोसेसेस हुए, लेट्स से फ्लड आया, स्लोली व्हाट हैपेंड टू दीज फॉरेस्ट, दे गॉट बेरीड अंडर द सॉइल एंड मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम. अब और सॉइल डिपॉजिट होता जा रहा है उनके ऊपर, तो कंप्रेशन हो रहा है, बेसिकली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, राइट. सो प्रेशर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. सो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दीज डेड प्लांट्स दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल. ओके, कोल बेसिकली मेनली कोल कंटेन्स कार्बन.
तभी आप नोट करोगे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन. व्हाट डू वी कॉल दिस? कार्बनाइजेशन. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म. सो इट्स अ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल. एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस. रिमेंबर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन सडनली. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोल की? लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स वेरी हार्ड. तो हार्डनेस इज देयर. इट्स एज हार्ड एज स्टोन. इट्स ब्लैक इन कलर. तो कोयला का कलर क्या है? इट्स ब्लैक. मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन. क्यों कह रहे हैं हम? व्हाई इज दिस सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट कोल, इट्स जस्ट मेजरली हैविंग कार्बन. क्योंकि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में तो नाइट्रोजन भी है, प्लांट्स में ऑक्सीजन भी है, प्लांट्स में हाइड्रोजन भी है, प्लांट्स में सल्फर भी है, है ना? प्लांट्स में ऑफकोर्स कार्बन तो है ही है. सो देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट यू नो एलिमेंट्स आर देयर. कहीं ना कहीं प्लांट्स आर रिच इन ऑल दीज. बट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, जब कोल बनता है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर रिमूव्ड एक्सेप्ट कार्बन. तभी हम बोलते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कार्बन. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज इट्स फॉर्म फ्रॉम डेड प्लांट मैटर. ठीक है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से है, डेड वेजिटेशन से फॉर्म हो रहा है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू नो. अब कोल जो हम यूज करते हैं वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वी ऑल नो दैट. बट कोल से हमें और कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और वो कैसे मिलते हैं? लेट्स सी. वो हमें मिलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से. तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? वी आर हीटिंग कोल. हम कोल को हीट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर. व्हाई डोंट वी वांट एयर टू बी हियर? अगर एयर हुआ देन द कार्बन विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड. वी डोंट वांट दैट. सो वी आर डूइंग दिस इन द एब्सेंस ऑफ एयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू वी गेट व्हेन वी डू दिस? व्हेन वी डू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, we get three very important products. क्या क्या है वो? कोक, कोल गैस एंड कोल टार. ठीक है, अगेन वी गॉट कोक, एक सॉलिड प्रोडक्ट है, कोल गैस गैशियस प्रोडक्ट है, कोल टार एक लिक्विड प्रोडक्ट है. हमें तीनों प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि अब ये तीनों प्रोडक्ट्स हाउ आर दीज प्रोडक्ट्स यूजफुल टू अस. दे आर वेरी यूजफुल इन देयर ओन वेज. लेट्स अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज एज वेल एज देयर यूजेस. लेट्स गेट स्टार्टेड विद देयर प्रॉपर्टीज. सो कोक एक ब्लैक रेजिड्यू है जो फॉर्म होता है, एंड इट्स उसको प्योर फॉर्म कहते हैं बिकॉज इट्स मेनली कंपोज ऑफ कार्बन. 98% कार्बन उसमें हमें पाया जाता है. ठीक है, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. तो अगर हमें स्टील बनाना है उसमें हम कोक यूज करते हैं, या हमें कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करना है मेटल की एक्सट्रैक्शन में. मेटल की एक्सट्रैक्शन में भी कोक यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. यू विल स्टडी मोर अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट वेरी सून. नाउ कमिंग टू कोल गैस, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा इसमें, बहुत कुछ है इसमें. अब अगर मैं मेजरली अभी जो मेंशनड है यहाँ पे गैसेस, लेट्स फॉरगेट अबाउट नाइट्रोजन फॉर द टाइमिंग. हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ऑल दीज गैसेज आर कंबस्टिबल. ये सारी गैसेज जो मेजरली प्रेजेंट है हमारे कोल गैस में वो कंबस्टिबल है, इसलिए ये बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है. इसका यूज क्या हो जाएगा? इट्स एन एक्सलेंट फ्यूल. ठीक है, नाउ कमिंग टू कोल टार. नाउ दिस इज अ ब्लैक लिक्विड, थिक सा लिक्विड है विद अनप्लेजेंट स्मेल. इट्स एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ यू नो अराउंड 200 सब्सटेंसेस. अब पेंट्स बनाने के काम आता है ये, डाइज बनाने के काम आता है, एक्सप्लोजिव्स बनाने के काम आता है, एंड देयर आर वेरियस मेनी मेनी मोर यूजेस ऑफ कोल टार. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल दैट वी हैव, एंड दैट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम एक्चुअली दो वर्ड से बना है, पेट्रो एंड ओलियम. पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल. सो पेट्रोलियम, नाउ इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. किससे बना है? सी से. एज दे डाइड देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी. सो
किससे बना है? मरीन ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है. व्हेन दे डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड दे आर बेसिकली बीइंग फॉर्मड अंडर इनॉर्मस प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगेन यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. धीरे धीरे और सैंड और सेडिमेंट्स ऊपर आते रहते हैं तो ऑफकोर्स कंप्रेशन बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. एंड देयर यू गो, दिस इज हाउ पेट्रोलियम इज बीइंग फॉर्मड. नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, लेट्स सी व्हाट दैट फैक्ट इज. पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. अब क्यों उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ब्लैक ऑफकोर्स बिकॉज इट्स ब्लैक इन कलर, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. क्योंकि वो कलर ब्लैक है तो हम उसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं. गोल्ड क्यों कहा जाता है? नाउ वी नो गोल्ड इज वेरी प्रेशियस, गोल्ड इज वेरी वैल्यूएबल. सिमिलरली ये जो पेट्रोलियम है इट हैज़ अ लॉट ऑफ यूजेस. बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है एंड बहुत सारे मतलब वाइड रेंज एप्लीकेशन है विच बेसिकली वील जस्ट सी विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स. वील सी वट आर द प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम, वट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्रैक्शन दैट वी कैन गेट फ्रॉम इट एंड देयर यूजेस एज वेल. सो वाइड रेंज एप्लीकेशन है. जस्ट लाइक गोल्ड इट्स ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल टू अस, दैट्स वाई वी कॉल इट एज ब्लैक गोल्ड. नाउ I was talking about the fractions, right? So after we pump the crude or raw petroleum from the sea, it goes to large factories called refineries. वहाँ पे एक process किया जाता है refining का. So there the crude oil is basically refined. क्या है refining का मतलब? It's basically clean to make it use, to make it ready for further use. ठीक है? So we are cleaning it to make it ready for further use. So the process of separation of various constituents. Petroleum has various constituents and the process of separating all those constituents is basically known as refining. And what principle are we using for separation of these fractions, for separation of these constituents? Hum kya? What is that main thing that we are using? Main principle. Main principle is we are making use of the difference in the boiling points of various fractions. So the fractions that we have around us, they boil at different temperatures and we are making use of this point only. So, petroleum ko jab hum heat karte hain, jinka boiling point kam hai, theek hai, jinka boiling point kam hai, wo hume upper column mein mil jate hain. Jinka, jaise jaise boiling point zyada hota hai, ya wo complex molecules hain, larger molecules hain, to wo hume lower part of the fraction mein mil raha hai. ठीक है, सो अपर कॉलम एंड लोअर कॉलम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो सिंपलर सब्सटेंसेस थे वो हमें अपर रीजन में मिल रहे हैं. एंड द वंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, वो हमें कहीं ना कहीं लोअर पोर्शन में मिल रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी गेट वेरियस फ्रैक्शंस. पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, बिटुमिन, एंड देयर यू गो, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ petroleum. Now, what are the uses? I told you widespread use. I told you widely, it's, you know, petroleum products are widely being used. That's why we're calling it black gold. But now, what are the uses? Let's see ki kya kya uses hain of the petroleum fractions. First of all, we've got liquefied petroleum gas. Now, it's used as a fuel for home also, even in industries also. Okay. नेक्स्ट हमारे पास आता है पेट्रोल. ये भी फ्यूल की तरह यूज हो रहा है, ऑल्सो एज अ सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग. नेक्स्ट वी गॉट केरोसिन, जो फ्यूल की तरह यूज हो रहा है एयरक्राफ्ट में, स्टोव्स में, लैंप्स में भी वी यूज केरोसिन. डीजल, अगेन वी नो वी यूज डीजल, जो हमारे हेवी व्हीकल्स हैं उनमें हम डीजल यूज करते हैं. ठीक है, व्हीकल्स में हो रहा है बट इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी होता है. ओके, नेक्स्ट वी गॉट फ्यूल ऑयल, जो शिप्स में यूज हो रहा है. ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, जो ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज हो रहा है. पैराफिन वैक्स, कैंडल्स में, ऑइंटमेंट्स में, वैसलीन में, इन सब में यूज होता है. बिटुमिन, इट्स यूज्ड फॉर रोड सर्फिसिंग एंड इट्स ऑल्सो यूज्ड इन पेंट्स. सो सच वाइड स्प्रेड यूजेस यू कैन सी. सो नो वंडर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस आर वाइडली बींग यूज्ड. एंड आई होप दिस ऑल्सो जस्टिफाइज द फैक्ट वाई आर वी कॉलिंग इट ब्लैक गोल्ड. चलिए, सो वी नो अबाउट कोल बाय नाउ, वी नो अबाउट पेट्रोलियम. मूविंग ऑन टू द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल एंड दैट इज नेचुरल गैस.
नेचुरल गैस में मेजरली मीथेन पाया जाता है, दैट इज CH4। ओरिजिनल जब आप आपको प्योर फॉर्म में आप इसको देखोगे तो इट्स कलरलेस एंड ओडरलेस, ओके, एंड इट्स वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नाउ देयर आर टू टर्म्स ओवर हियर, CNG एंड LNG। CNG बेसिकली मीन्स व्हेन वी स्टोर दिस नेचुरल गैस अंडर हाई प्रेशर, वी कॉल इट एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाउ व्हाट इज LNG? व्हेन इट्स स्टोर्ड अंडर वेरी लो टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इसका बहुत लो कर दोगे, ऑफकोर्स इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड फॉर्म, उसको हम कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। सो नो अबाउट CNG, नो अबाउट LNG, नो अबाउट देयर फुल फॉर्म्स, नो अबाउट व्हाट दे मीन, बिकॉज दैट इज सुपर इम्पॉर्टेंट। अब हाउ इज दिस नेचुरल गैस फॉर्म्ड? वेल, वेरी वेरी सिमिलर टू पेट्रोलियम। सो इट्स फॉर्म फ्रॉम द बेरीड रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो सी में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, व्हेन दे डाइड दे सैंक, नीचे जाते गए और डिपॉजिट्स ऊपर आते गए, दैट्स हाउ कंप्रेशन वॉज हैपनिंग, दैट्स हाउ टेम्परेचर इज मोर। एंड सिमिलरली इनॉर्मस प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, दे फाइनली गॉट कन्वर्टेड टू नेचुरल गैस इज वेल। अब कैसे लेयर्स में हमें ये मिलता है? गैस एंड ऑयल दे आर नॉट मिसेबल विद वाटर, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म सेपरेट लेयर्स। सबसे ऊपर की लेयर गैस की है, it's the lightest, then you will get oil layer and then you will get water layer. So this is how in various layers you are getting gas and oil. Okay, now what are the uses? Kya use hai? Ye jo natural gas hai, iska use kya hai? Chaliye dekhte hain. Where exactly it is being used? So heating purposes ke liye hum ise use karte hain. Gas water heater le lo. Heating pool water. So basic first uses for heating. It's also used for electricity generation, it's also used in vehicles, it's also used in cooking. So all these are uses of natural gas. Now, in general, we've studied about so many resources, right? Natural resources, natural matlab nature se mil rahe resource matlab they are useful to us in some way or the other. We've studied about all these resources, but how do we classify them? There are two very simple ways of classifying them. Inexhaustible resources and exhaustible resources. Inexhaustible मतलब unlimited quantity में वो resource present है, air, water, sunlight, unlimited quantity में है. If we use them more, ऐसा नहीं है कि they'll get depleted, their quantity will get depleted or something like that. So they are present in unlimited quantity. They are also known as renewable resources. We cannot really exhaust them. Okay. Now, please note, I'm not talking about clean water, I'm talking about water over here. Okay, a lot of the students keep asking me, ma'am, then why do we say we have to use water judiciously? We have to use it because the amount of clean water is limited. But if I talk about just water that's present, jo earth pe present hai, wo of course hamara fixed hai, to unlimited, fixed matlab, we have a lot of water. Maybe in the contaminated form, maybe in whatever form, but water jo hai, wo through water cycle, through various processes, कहीं ना कहीं रिन्यू होता रहता है। नाउ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, एंड ऑफ कोर्स दे विल गेट एग्जॉस्टेड इफ यू ओवरयूज देम। सो ह्यूमन एक्टिविटीज कैन एक्चुअली एग्जॉस्ट देम। फॉर एग्जांपल, वी हैव गॉट आवर फॉसिल फ्यूल्स, वी हैव गॉट आवर फॉरेस्ट, दैट्स व्हाई वी से डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, है ना। नॉन रिन्यूएबल है वो, वंस द क्वांटिटी गेट्स डिप्लीटेड, वंस दे आर डिप्लीटेड, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम for them to again, you know, to get renewed again. So, बहुत ज़्यादा time लगता है, जैसे हमारे fossil fuels है, coal, petroleum, natural gas. If you're going to overuse them, it's going to take us a lot of time to make more of it. Millions of years, right? So, conservation बहुत ज़रूरी है. अब conservation करें कैसे? कैसे कर सकते हैं हम fossil fuels को conserve? Switching off engines at traffic signal. Very doable. ठीक है, लेट्स से द ट्रैफिक लाइट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, स्विच ऑफ द सिग्नल, मेंटेन करना है व्हीकल्स को, यूज ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कार पूलिंग कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। सो कार पूलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज क्या होगा? लेसर व्हीकल्स विल बी देयर ऑन द रोड, सो इवेंचुअली ऑफकोर्स लेसर फ्यूल विल बी यूज्ड। सो अगेन अनदर वे जो हम एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं, राइट? नाउ
I understand that we have to conserve fuels because, you know, they are present in limited quantity. They are somewhere exhaustible or non-renewable. But actually, there's another reason as well. Of course, the quantity factor is one of the very, very major factors that we have why we should use them, you know, judiciously. But there's another factor, and that is these fossil fuels are actually very dangerous also. So they can actually cause global warming. A lot of harmful emissions are happening. The more we use fossil fuel, the more harmful emissions are going to happen. Carbon dioxide, methane, all these gases are greenhouse gases. And the more they are released, the more greenhouse effect is going to happen, the more global warming is going to happen, which we really don't want, right? Another thing is acid rain. So we have got oxides of nitrogen, sulfur majorly, carbon also you can include. When they come in contact with water, corresponding acids are being formed. Nitric acid, sulfurous and then sulfuric acid, and of course carbonic acid. Acid rain bante hi. When this acid rain is coming down, it washes essential nutrients from the soil. It affects aquatic organisms. It can cause, marble cancer. It can damage buildings. It can damage so many things, right? Again, something that we don't want. Of course, air pollution is a very basic thing that is going to happen due to the usage of fossil fuels. So poisonous gases release hoti hain, contaminated environment ho jata hai. So this is also another reason why we should limit the use of fossil fuels and move more towards renewable sources or less polluting sources. Now, it's again not just about the usage of fossil fuels. Fossil fuels ko extract karne mein bhi there are things that are completely undesirable. For example, coal mining jab hum karte hain, deforestation, water contamination, soil degradation, all these things are happening. So of course, use karne mein to hume pata chal hi raha hai ki kya disadvantage hai. Even extraction mein bhi, it is not very preferable. Similarly, agar hum petroleum natural gas ki extraction karte hain, oil spill can happen, jisse water contaminate ho sakta hai, jisse aquatic organisms affect ho sakte hain. So even in the extraction, this is, you know, harming us, hampering a lot of day-to-day activities. Now we know that there are so many fuels around us, and they are, you know, we've got our own fossil fuels. We are getting various products from those fossil fuels. But one very interesting fact for all of you is that coal combustion, out of all the fuels that we have, coal combustion produces more greenhouse gases than the combustion of any other fossil fuel. So coal ke case mein, we have to be extra careful. Kyunki yahan se jo gaseous emissions ho rahi hain, wo way more hai as compared to the other fuels that we have. And of course, that's why we are trying to shift to fuels which are basically, you know, less polluting. We can't say they're not at all polluting, but yes, we can definitely say the ones which are, you know, less polluting. That is the motive right now. That is why so many organizations are coming up to help us do the same. All right. Now, I hope you've understood the chapter. I hope you've understood the entire concept of each and every aspect of the chapter discussed. If yes, quickly hit the like button. And now I have a homework question for all of you. Let's see what that homework question is. You have to let me know the answers in the comment section, and I want all of you to give the correct answer, because that's how I'll know that you've understood the concept. Let's see what that homework question is. Which one of the following is not a fossil fuel? Coal, biogas, petroleum, natural gas. Choose the correct answer, and also let me know why do you think it's not a fossil fuel. Okay, so this is your homework question. I will wait for your answers in the comment section. And with this, we have come to the end of this session. I hope you've enjoyed learning with us. I hope you are, you know, going to give the answer of the homework question that I've just asked you. And I hope to see all of you super soon. So, jaldi se session ko like kar denge, channel ko subscribe kar lenge. Subscribe karna bahut important hai, taki koi bhi important session miss na ho. Your exams are on the corner. Back to back, we'll have all important sessions for all of you. So, सब्सक्राइब करो, फटाफट से बेल आइकन हिट करो ताकि नोटिफिकेशंस आती रहे, टाइमिंग्स पता रहे,
you can be there when the session is going on, you attend it and you learn with us. ठीक है, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, होमवर्क करना नहीं भूलेंगे एंड ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे. ट्रस्ट मी, वॉट एवर जो भी आप हार्डवर्क यहाँ पे कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट में कन्वर्ट होगा. यू विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स एंड आई होप कि आपको आज का सेशन यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो. सो कीप वर्किंग हार्ड दिस वे, कीप स्माइलिंग. आई विल सी यू सुपर सून. टेक केयर. बाय बाय.